Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. आस्था के बाद इसलिए कर रहा हूँ कि कारगिल वॉर हुई, कारगिल वॉर में ये बात बार-बार आई है कि बोफोर्स ने अपना बहुत पराक्रम दिखाया, बोफोर्स ने अपने को साबित किया। परंतु वहीं अगर सुफमा गन इस्तेमाल की गई होती, जिसकी रेंज 29 किलोमीटर 29.2 थी, तो उसको अगर इस्तेमाल किया जाता तो हमारे सैनिकों की शहादत कम होती, कम सैनिकों का बलिदान होता। तो इतना बड़ा मामला, जो सुरक्षा जो मामला था, उसमें इन लोगों ने कंप्रोमाइज किया। अब राहुल गांधी का कहां पे आता है मामला, जब राजीव जी की डेथ हो गई, राजीव गांधी जी डेथ हो गई, उसके बाद क्योंकि कॉर्पोरेशन का रिलेशन में आपको बताने के लिए एक स्टेटमेंट जो सबसे पहले मैंने ये दिया है स्पाइरल में, उसमें ये कमिश्नर नरेश गोसाई हैं, जो कि आईबी के अधिकारी थे, बाद में एसटीएफ में हो गए और श्रीमती सोनिया गांधी की सुरक्षा में उनको लगाया गया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने पूरा जो जो दिया है इन्होंने स्टेटमेंट सीबीआई के सामने, कि जो जहां जहां अंडरलाइन है बस मैं वो बताऊंगा, कि वो लोग कोत्रोची और उसकी पत्नी इतने नजदीक थे राजीव गांधी और सोनिया गांधी के, कि जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तब जब जब वो बाहर जाया करते थे, तब तब उनके जो बच्चे थे यानी राहुल और प्रियंका, वो कोत्रोची के घर रुका करते थे। यानी जब प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी और सोनिया गांधी दौरों पर जाया करते थे, तो उनके बच्चे राहुल और प्रियंका कोत्रोची के घर पर रुका करते थे, इतनी घनिष्ठता थी। और आगे ये भी कहा, सम टाइम मिस्टर सोनिया गांधी ऑल्सो स्टेड इन द हाउस ऑफ मिस्टर कोत्रोची एंड एट दैट टाइम वी यूज्ड टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज देयर। इससे पहले 8 फरवरी को ये सारी रिकॉर्ड पहली करती है सीबीआई के, 8 फरवरी को अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने इंडियन सीबीआई को इन्फॉर्म कर दिया था इंटरपोल के जरिए कि आदमी पकड़ा गया है, और उसके बाद भी इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया। और उसका काम ऐसा ये हुआ कि जो गोपाल सुब्रमण्यम मेरे मित्र भी थे और बड़े अच्छे वकील थे, जिस प्रकार से उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया, मुझे उनके खिलाफ एक बार काउंसिल में कंप्लेन करनी पड़ी कि इनका जो है जब्त किया जाए लाइसेंस, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया है, और साथ ही साथ तत्कालीन जो सीबीआई डायरेक्टर थे विजय शंकर, उनके खिलाफ कंटेंट मूव करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि इन्होंने सीबीआई डायरेक्टर रहते हुए, सीबीआई डायरेक्टर एक बहुत एक बड़ी पोस्ट है, एक देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसका निदेशक रहते हुए जो सबसे बड़ा कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, उसको मिसलीड किया, गुमराह किया, झूठ बोला, और झूठ बोलने के कारण इनके खिलाफ कंटेंट होना चाहिए। अर्जेंटीना में जब एक्सट्रेडिशन के लिए प्रोसीडिंग चल रही थी, तो वहां पे भी जो कागजात जरूरी थे, वो सब रिकॉर्ड पे आई चीजें हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो जरूरी चीजें जो थी वो नहीं दी गई, अपने खिलाफ चीजें दी गई, और अर्जेंटीना से एक्सट्रेडिशन नहीं हो पाया, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद 2009 का जब लोकसभा चुनाव आया था, लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले जो रेड कॉर्नर नोटिस कोत्रोची खिलाफ एग्जिस्टेंस में था, वो रेड कॉर्नर नोटिस विड्रॉ कर लिया गया। यानी कितना बड़ा रिस्क भी लिया इन लोगों ने, ये कोत्रोची को बचाने के लिए, मुझसे किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने कहा था कि कोत्रोची को बचाने के लिए 10 सरकारें कुर्बान कर सकते हैं, कोत्रोची को देश में नहीं आने देंगे, क्योंकि कोत्रोची के दिल में इतने बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं कि अगर उसके मुंह से आवाज निकल गई, इनका राज खुल गए, तो ये गांधी परिवार तबाह हो जाएगा। वो राज क्या थे बाद में पता लगे, कि जिस दिन से श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, या उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री थी, तब ये कोत्रोची, क्योंकि इटालियन व्यक्ति था, सोनिया गांधी के परिवार से इतना इनका रिलेशन था, और लोग तो राहुल गांधी के मामा कहते हैं इनको, तो वो उसकी इतनी प्रॉक्सिमिटी थी, वही व्यक्ति अकेला व्यक्ति था कि जो कि मेन मिडिल मैन था गांधी परिवार का। यानी हर सौदे में, उस वक्त जो भी बड़े बड़े सौदे हुए, फर्टिलाइजर के बड़े बड़े सौदे, इंडस्ट्रीज लगी साउथ में, पावर प्लांट्स लगे, उस सब में कोत्रोची कहीं
रोल था बीच में एज ए मिडिलमैन, और उसने जो है सारे सौदे कराए, और उसमें जो भी पैसा कोत्रोची को एज ए कमीशन जो लीगली लेता था, इलीगली था, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा गांधी परिवार का रहता था।